चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के लिए यह पहला अनुभव है जब उसे बाढ़ के बाद आम चुनाव कराना पड़ेगा। मानसून के बाद आयोग एक बार फिर नए सिरे से राज्यों में चिन्हित किए गए मतदान केंद्रों का सत्यापन कराएगा। इस साल जनवरी में पंचायत चुनाव के लिए राज्य भर में करीब 1,20,000 बूथ चिन्हित किए गए हैं। इसमें बूथों के सत्यापन से लेकर ईवीएम के मूवमेंट प्लान के साथ 10 चरणों में चुनाव की तैयारियां की थी, लेकिन ईवीएम विवाद और फिर कोरोना की वजह से आयोग ने सभी तैयारियों पर पानी फेर दिया था। अब कोशिश है कि मानसून के बाद चुनावी तैयारियों में जुटेगी। और आपको यह भी बता दें कि राज्य के करीब 8,000 ग्राम पंचायतों के करीब 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव कराया जाना है। तो चुनाव आयोग को फिलहाल मानसून का इंतजार है और जैसे ही मानसून खत्म होगी तो पंचायत चुनाव जो है उसकी तैयारियां पूरी तरीके से शुरू हो सकती है और पंचायत चुनाव हो सकता है। बता दें कि कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। हमारे साथ राजेश जी जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना एक तरफ है और दूसरी तरफ जिस तरीके से मॉनसून खत्म होने का इंतजार हो रहा है, क्या लगता है कि पंचायत चुनाव होगी ऐसे हालात में? ये बिल्कुल आप तय मानिए, सितंबर अक्टूबर के बाद चुनाव होना तय है, क्योंकि उस वक्त तक मॉनसून खत्म हो जाएगा, बरसात का सीजन जैसे ही खत्म होगा और कोरोना पूरी तरह से अगर कंट्रोल में रहा, आप या यूं कहें तीसरी लहर अगर नहीं आती है तो पंचायत का चुनाव होना तय है। पंचायती राज विभाग ने भी अपने तरीके से तैयारी कर रखी है। वही अगर बात कर ले राज्य निर्वाचन आयोग की, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है और लगातार वो जिला प्रशासन के टच में है और ये हर स्तर पर कोशिश की जा रही है कि कैसे आगे आने वाले जो समस्याएं हैं, खासकर उत्तर बिहार का जो इलाका है ज्यादा प्रभावित होता है बाढ़ में, उसके बाद जैसे ही पानी अगर घटता है या फिर बारिश खत्म होती है तो उसके बाद पंचायत चुनाव कराने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही काफी विलंब हो चुका है। 15 जून तक लास्ट डेट था, वो खत्म हो चुका है। जो पहला का जो पंचायत था उसका जो टर्म पूरा हो गया है, अब जो है दूसरी पंचायत की जो तैयारी होनी थी और चुनाव होना था, लेकिन वो चुनाव नहीं हो पाया है। तो वैसे स्थिति में बरसात के बाद जैसे ही मौसम ठीक होगा और कोरोना अगर पूरी तरह से कंट्रोल में रहा तो पंचायत चुनाव कराया जाएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव नहीं होने की वजह से जो ग्रामीण स्तर में जो विकास कार्य है, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो जमीन पर लाना इतना आसान काम नहीं है, वो संभव नहीं है। वैसे स्थिति में पंचायत चुनाव ससमय हालांकि तो नहीं हो पाया है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है सितंबर अक्टूबर के बाद पंचायत चुनाव बिहार में संभव हो। जी राजेश, करीब 8,000 ग्राम पंचायतों के करीब 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव कराया जाना है, तो ऐसे में क्या लगता है कि ईवीएम से चुनाव कराने की ज्यादा संभावना है या फिर बैलेट पेपर का सहारा लिया जा सकता है? नहीं, ईवीएम से ही चुनाव होना है, बैलेट पेपर का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ईवीएम को लेकर ही खींचतान चल रही थी राज्य निर्वाचन आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच में, लेकिन वो क्लियर हो चुका है। अब जो पंचायत चुनाव होना है वो ईवीएम के जरिए ही होगा और उसकी उसके लिए हर बूथ लेवल पर जो तैयारी है हो जानी है। रह गया सवाल कि ईवीएम उतने बड़ी संख्या में कहां से आएगी। तकरीबन 2.5 लाख के आसपास ईवीएम जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने तरीके से व्यवस्था कर रखी है और बाकी जो लगेगा ईवीएम वो दूसरे स्टेट से मंगाने की बात है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले ही पंचायत चुनाव खत्म हुआ है, तो वैसी जरूरत महसूस होगी तो वहां से भी ईवीएम मंगाया जाएगा और चुनाव जो है पंचायत का हर हाल में ईवीएम से ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो पंचायत चुनाव है, एक तक आप तय मानिए कि 6 पदों पर चुनाव है, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड पार्षद है, जिला पार्षद है, पंचायत समिति है। इस तरह से एक बूथ पर 6 तरह के ईवीएम रखे जाएंगे, 6 ईवीएम रखे जाएंगे, क्योंकि सबके अलग अलग पदों के चुनाव होने हैं। तो ये एक बड़ी जवाबदेही है, बड़ी जिम्मेवारी है राज्य निर्वाचन आयोग के पास कि किस तरह से इस चुनाव को इस विपरीत परिस्थिति में करा लें। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना एक अनुभव है, आपको याद होगा पिछली बार जो फर्स्ट फेज में कोरोना का लहर आया था उस वक्त भी बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने काफी बेहतरीन तरीके से इस चुनाव को संपन्न करा लिया था।
लेकिन उस वक्त की परिस्थिति और इस वक्त की परिस्थिति में अंतर होगा। वहां पर एक बूथ पर एक ईवीएम रहा करता था, लेकिन आज की तारीख में पंचायत चुनाव में एक बूथ पर तकरीबन 6 ईवीएम रखे जाएंगे, क्योंकि 6 पदों पर चुनाव होना है। तो ये कोरोना की तीसरी लहर जो है वो भी आने वाली है, ऐसे में खतरा ज्यादा है इस बार, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियां कितनी ज्यादा इसको लेकर के होनी चाहिए ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, लेकिन जो तीसरी लहर की बात की जा रही है और तीसरी लहर को लेकर भी, हालांकि ये बातें जो है राज्य निर्वाचन आयोग के भी जहन में है, उन्हें पता है कि अगर तीसरी लहर आएगी तो हम कैसे चुनाव करा पाएंगे, ये एक बड़ा विषय है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। लेकिन तीसरी लहर की मारक क्षमता कितनी होगी, कितना संक्रमण दर तेज होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। उसके बाद ही राज्य निर्वाचन कोई फैसला करेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरह से पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, बंगाल में उत्तर चुनाव हुए और 5 स्टेट में चुनाव कराए गए, उसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की काफी फजीहत हुई। तो राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना का संक्रमण दर बढ़ जाए। तो वैसे स्थिति में कोरोना को देखते हुए, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी जवाबदेही है कि चुनाव को सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से संपन्न करा लिया जाए। तो राज्य निर्वाचन आयोग तीसरी लहर को लेकर भी चिंतित है और उसको लेकर भी समीक्षा बैठक लगातार जारी है, वहां भी ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे अगर थर्ड फेज आता है तो कोरोना काल में हम कैसे चुनाव संपन्न कराएं, इस पर भी लगातार विचार विमर्श का दौर राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर चल रहा है। बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।